नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ राजस्थान LDC 16 सितंबर फर्स्ट पेपर के विज्ञान की एकदम सटीक आंसर की। जो भी आंसर बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक होंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूँ। और अभी मैंने वहाँ पर रेलवे ग्रुप डी स्पेशल लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो डाल दिया है। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। और जो भी वीडियो है आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो, इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 51 क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे साइंस के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में किसमें वृहद्तम बंध कोण पाया जाता है? तो आपका सही जवाब रहेगा NH3। इसमें सबसे अधिक बंध कोण पाया जाता है, जो कि 160 डिग्री का होता है, बाकी सभी में कम होता है इससे। ओके, अगला आपके क्वेश्चन आ रहा है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। तो धातु के केस में आपका आंसर जाएगा मरकरी, यदि अधातु होता तो आपका ब्रोमीन करेक्ट होता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 53, क्लोरो फ्लोरो कार्बन होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, क्लोरो यानी कार्बन, क्लोरीन व फ्लोरीन से बने होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो सीधा ऑप्शन सी करेक्ट है, CNG जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देता है। यहाँ पे गलत है, क्योंकि दोस्तों CNG जलने पर बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा देता है। ओके, जो कि गलत है, बाकी सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके क्वेश्चन है, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पे साबुन धूल के कणों पर जोड़ने की बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं, इसके कारण है वो कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो आई थिंक इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना जरूर, मैं इसमें कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह रंग भूरा हो जाता है। यहाँ पर आपके केमिकल चेंजेज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। तो आपका कथन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कैथोड पर सोडियम जमा हो जाता है, और यहाँ पे ये कथन सही कथन है, बाकी सभी आपके एनोड पर दोस्तों आपके क्लोरीन उत्पन्न होती है, न कि हाइड्रोजन होती है, तो ये बिल्कुल आपके गलत हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहा है, एथेन जिसका आणविक सूत्र दे रखा है C2H6, ये दर्शाता है 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा गति के रूप में सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? ग्रेफाइट एकदम आपका सटीक जवाब है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो नाइलॉन 6 आपका पॉलीएमाइड है। और निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है? दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरक होता है, एंजाइम भी होता है समांगी, लेकिन कृत्रिम जो उत्प्रेरण है वो नहीं होता है, तो यहाँ पर ये प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, और बाकी सभी पेपर के आपके आंसर की जल्दी आपको मिल जाएगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके बाकी अन्य सब्जेक्ट की भी आंसर की चेक कर सकते हो। निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा, बाकी मैं इन सभी आंसर की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4 आपका एकदम करेक्ट है। और ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में दोस्तों वहाँ पे कमी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? हेपेटाइटिस बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप प्रजनन, ओके, प्लांट ब्रीडिंग आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोगमा रिक्त स्थान से रिक्त स्थान को आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? तो DNA से RNA आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, DNA से RNA। और ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हृदयघात के कारण है, तो ये सभी कारण आपके हृदयघात के कारण है, मतलब हार्ट अटैक के कारण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, यदि पिता RH
सहित वह माता आरएसहीन यानी नेगेटिव हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद रहुगाम प्रतिरक्षी का टीका है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, मोलस्का के किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? पिनेक की डीटा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है? दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा, ये भी बिल्कुल सिंपल है, 0.03% हो जाएगा। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में सम्मिलित होते हैं? तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए और जो प्रोटीन होता है हिस्टोन वो सम्मिलित होता है गुणसूत्र की संरचना में। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? तो केंचुआ आपके यहाँ पे अर्थवर्म है, करेक्ट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? दोस्तों बेहतर शेल्फ जो जीवन है ये इसका विशिष्ट लक्षण है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने बाएं कान को दाएं हाथ से छूओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसा आपने दाएं कान को बाएं हाथ से छुआ है, ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा यहाँ पे आपका वर्ण विक्षेपण डेस्पिरेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, बिल्कुल सिंपल, डाइऑप्टर हो जाएगा। और अगला आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल आ रहा है, जो वो भी निकट दृष्टि दोष से संबंधित एक न्यूमेरिकल है, इसका सही जवाब अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर, एकदम सटीक जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, घरों में अर्थिंग का उद्देश्य होता है? दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट रह जाएगा, जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और ये एक और न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पे, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है, आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अनंत से जो भी बिंब होता है उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत एनर्जी को आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेंस का नियम फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, लेंस का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, एक तो सेव वाला और एक ये सेकेंडरी सेल वह होते हैं जिनका आप रिचार्ज कर सकते हो, पुनर्भरण कर सकते हो, ओके। और किसी चालक तार के प्रतिरोध की उसकी, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपका आर बराबर, आपको पता है आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? तो आपका वायोलेट हो जाएगा, बैंगनी होता है सबसे ज्यादा, और सबसे कम होता है रेड। और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपके आर बराबर रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। यहाँ पे 2A है जिसका न्यूनतम होगा आपके प्रतिरोध, ओके, तो 2A अनुप्रस्थ काट वाले तार का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक विद्युत जनित्र में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत जनित्र और मोटर वाला क्वेश्चन दोनों ही बिल्कुल सिंपल आ गए। यहाँ पे 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश कोलिजन में कितना कार्य? दोस्तों W बराबर VQ होता है, V दे रखा है, Q दे रखा है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 जूल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे। और यहाँ पे IT के कुछ क्वेश्चन हर डाय है, किसी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नंद और नॉर गेट के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा एकदम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे रिक्त स्थान का उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? डाटाबेस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर होता है, न कि एक सर्च इंजन है। और यहाँ पे मेनका का आया है, मेनका एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन से जुड़ा था, मूल रूप से मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 97 का दोस्तों यहाँ पे सरल है, जो कि एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है, तो सरल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 98 क्वेश्चन यहाँ पे, एक वायरस था जिसका पता पहली बार अर्पार नेट पर चला, तो वो था क्रीपर वायरस, आपका ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। सौर मंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पायोनियर 10 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, सुपर कंप्यूटरिंग कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सैमुअल ग्रे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपके दिमाग में किसी भी क्वेश्चन के प्रति डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल के नीचे लाल आइकन वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास के बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।